दोस्तों हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही डिलीशियस और क्विक मटन कढ़ाई, और उसके लिए यहाँ पर मैंने एक अदद ले लिया है कुकर, और ये कुकर कढ़ाई नुमा है। अगर आपके पास ये ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आम कुकर में बना सकते हैं। इस कुकर में मैं शामिल कर दूंगा आधा कप तेल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसके नीचे आग रोशन कर दूंगा, बिस्मिल्लाह। तो दोस्तों जब तेल गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने ये 800 ग्राम गोश्त ले लिया है, आप अपने हिसाब से जितना पकाना चाहें वो पकाएं, इसमें शामिल कर रही है, और साथ ही मैं इसके अंदर 1/4 चाय का चम्मच नमक शामिल कर दूंगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब मैंने गोश्त को इनिशियली कर रहा है फ्राई। बहुत ही शानदार ही जबरदस्ती कढ़ाई बनेगी इंशाल्लाह ताला, आपने आखिर तक मेरे साथ रहना है और मुकम्मल वीडियो देखनी है, और कमेंट में मुझे बताना भी है कि कैसी आपको ये वीडियो लगी। तेल अच्छा सा गर्म होगा तो गोश्त पे एक जबरदस्त सा रंग जल्दी से आ जाएगा, और हमने ये अच्छा सा रंग लेकर आना है, यानी इसको थोड़ा सा गोल्डन सा करना है। तो दोस्तों जब अच्छा सा रंग हमारे गोश्त पर आ जाएगा तो हम इसके नीचे करेंगे आपको थोड़ा कम, और अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक के पेस्ट का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और 1 खाने का चम्मच ही लहसुन का पेस्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम थोड़ी सी भुनाई करेंगे इस अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ इसकी, और जो लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हमने थोड़ी सी भुनाई करनी है वो हमने थोड़ी हल्की आग पे करनी है, बहुत तेज आग पर नहीं करनी है, ताकि हमारा लहसुन अदरक जो है वो जले नहीं। तकरीबन 1 मिनट तक भुनाई कर लेने के बाद अब मैं इसके नीचे आग को कम करके 1.5 कप पानी शामिल कर दूंगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही मैंने यहाँ पर 1/2 किलो टमाटर ले लिए थे और उनको मैंने दरमियान से कट कर लिया था, ये इसमें शामिल कर दूंगा, और इसको थोड़ा सा शेक करके थोड़ा सा हिला के तो मैं इसका ढकना बंद कर दूंगा, और आग तेज करके इसको प्रेशर दूंगा 10 मिनट का। दोस्तों अगर आप सोआ गार्डन इस्लामाबाद के आसपास या सोआ गार्डन में ही रहते हैं तो आपके लिए मौका है मेरे बनाए हुए रेस्टोरेंट यानी रेसिपी ट्राई रेस्टोरेंट से आप फौरन ऑर्डर कर सकते हैं, उसके लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो अभी फोन उठाइए, घुमाइए और ऑर्डर लगाइए। दोस्तों 10 मिनट पूरे हो गए हैं तो आप मैं इसके लिए चूल्हा बंद कर देता हूँ, और अब मैं इंतजार करूंगा इसका प्रेशर रिलीज हो जाए। तो दोस्तों अब जब प्रेशर रिलीज हो चुका है तो इसको खोल लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह, अब इसके नीचे मैं आग रोशन कर लेता हूँ, और साथ ही सबसे पहला काम जो करना है वो ये करना है कि इस इन टमाटरों के हमने जो छिलके हैं वो अलग कर लेने हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, और अभी मैंने इसके नीचे आग रोशन की है वो हल्की आग रोशन की है, क्योंकि मैं इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करने वाला हूँ, जिसमें 1/4 चम्मच जो है वो कश्मीरी लाल मिर्च का है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और 1/2 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर गरम मसाला शामिल करने वाला हूँ। तो ये बहुत ही शानदार किस्म की कढ़ाई आप बनाएंगे जो कि मिनटों में बनेगी, क्योंकि हम कर रहे हैं कुकर का इस्तेमाल, जिससे लज्जत भी आएगी और ये फौरन भी बनने वाली है तो आपको बहुत मजा आएगा। और साथ ही यहाँ पर मैंने 4 आदेश हरी मिर्ची ले ली है, जो कि मैंने दरमियान से स्लिट कर लिया है, वो भी इसमें शामिल कर दूंगा, बिस्मिल्लाह। और अब आग तेज करके तो मैं इस गोश्त की भुनाई करूंगा। अगर दरमियान में कोई टमाटर का छिलका नजर आ जाए तो वो भी रिमूव कर देंगे, ताकि ग्रेवी बनने में हमारी आसानी हो जाए, सहूलत हो जाए। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये ग्रेवी बहुत ही शानदार सा कलर है और बहुत ही शानदार टेक्सचर है, तो आप बनाएंगे तो बहुत ही मजा आएगा। और अब ये हमारी कढ़ाई है वो तेल पर आ चुकी है, तो इस टाइम पर मैं आग हल्की करके तो इसके अंदर तकरीबन 200 ग्राम फेटा हुआ दही शामिल कर दूंगा, बिस्मिल्लाह। तो जब आप दही शामिल करने लगे तो आग को हल्का कर लिया करें। तो दोस्तों आप मेरे साथ वीडियो में अभी तक हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और साथ ही साथ मुझे कमेंट में आप ये बताइए कि आपको कौन सी कढ़ाई सबसे ज्यादा पसंद है। तो दोस्तों यहाँ चेक कीजिए कि बहुत जबरदस्त इसकी भुनाई एक दफा फिर हो चली है, ये तेल पर आ चुकी है हमारी कढ़ाई, तो अब मैं इसके नीचे आग को एक दफा फिर कम करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ले लिया है धनिया और सफेद जीरा कुटा हुआ, तो ये मैं 2 खाने के चम्मच इसके अंदर शामिल कर दूंगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इस हल्की ही आंच पर हम इसको एक दफा मिक्स कर लेंगे, और आप जब इसको शामिल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही शानदार इसकी खुशबू आएगी और टेक्सचर भी बहुत जबरदस्त हो जाएगा हमारी कढ़ाई का, साथ ही साथ इसका जायका भी दोबारा हो जाएगा। और जब हमारी कढ़ाई हो जाएगी तैयार, यानी ये सारी चीजें इसमें डल चुकेंगी,
तो अब इसके नीचे हम आग को बंद करेंगे और इस वक्त इसके अंदर एक खसूसी इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे जो कि है काली मिर्च, वो भी कुटी हुई। तो ये मैं एक चाय का चम्मच इसके ऊपर से यूं करके, देखिए आप, यूं इसके ऊपर भरोड़ दूंगा। दैट्स इट, माशाल्लाह, आप देख रहे होंगे बहुत ही जबरदस्त टेक्सचर आ चुका है। और अब इसके ऊपर जाएगी जूलियन कटी हुई अदरक, और कुछ हरा धनिया, बिस्मिल्लाह। तो ये देखिए हमारी फैंटास्टिक, बहुत ही जबरदस्त सी कढ़ाई बनके तैयार है। तो अब आपने मुझे जल्दी से बताना है कि ये आपको कढ़ाई कैसी लगी। साथ ही साथ मुझे फॉलो कीजिए मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी, ताकि वहां पर भी मेरी व्यूअरशिप बढ़ सके। अब यहीं पर हम खड़े खड़े इसको टेस्ट कर लेते हैं। और आप इसको खा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह गली हुई बोटी, और ये हमारी ग्रेवी। तो अब इसको हम खा लेते हैं। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, बहुत ही फैंटास्टिक, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों अगर आप सोहा गार्डन इस्लामाबाद के आसपास या सोहा गार्डन में ही रहते हैं तो आपके लिए मौका है मेरे बनाए हुए रेस्टोरेंट यानी रेसिपी ट्राई रेस्टोरेंट से आप फौरन ऑर्डर कर सकते हैं। उसके लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो अभी फोन उठाइए, घुमाइए और ऑर्डर लगाइए। तो दोस्तों यहाँ पर ले लिया है मैंने कुकर, उसको मैंने चूल्हे पे प्लेस कर दिया है। हम जबरदस्त से बनाने जा रहे हैं फ्राई मीट, और ये बनाएंगे हम बीफ में। ये एक किलो यहाँ पर मैंने बीफ ले लिया है। दोस्तों बहुत ही आसानी से सहूलत से बन जाने वाला ये मीट आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। इसके अंदर मैं यहाँ पर साबित लहसुन के जोए डालूंगा तकरीबन 5 से 6, और 10 से 12 लौंगे मैं इसके अंदर शामिल करूंगा, बिस्मिल्लाह। और ये नमक मैं इसके अंदर शामिल करूंगा तकरीबन 1 टीस्पून से कुछ ज्यादा। और अब इसके अंदर जाएगा पानी। दोस्तों आ रहे हो मेहमान और आपने बनाना हो अच्छा सा कुछ, तो ये बहुत ही आसान तरीकाकार है। कोशिश ये कीजिएगा कि इसके लिए ताजा गोश्त इस्तेमाल करें और बोनलेस इस्तेमाल करें। इसके अंदर तकरीबन मैं 1.25 लीटर पानी या 5 से 5.5 कप पानी शामिल कर दूंगा, और ये आप डिपेंड करता है कि आप कौन सा कुकर इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कितना पानी के इस्तेमाल की जरूरत पड़ती है, उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। और अगर आप बना रहे हो बगैर कुकर के तो वो भी आप ज्यादा फिर टाइम देना पड़ेगा इस वक्त, क्योंकि हमने जल्दी बनाने की बात करनी है, यानी हम आसानी से और जल्दी बना पाए तो इसके लिए कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके नीचे मैं आग रोशन कर रहा हूं, और अब इसके ऊपर मैं इसका ढकना लगा दूंगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके ऊपर मैं वेट रखूंगा, और अब मैं इंतजार करूंगा इसका कि इसको प्रेशर आ जाए, और जब इसको प्रेशर आ जाएगा तो इसको आधे घंटे के बाद प्रेशर दूंगा। और साथ में ये देखिए बारबेक्यू सॉस बनाने जा रहे हैं, उसके लिए यहां पर मैंने लिया है एक अदद बॉल। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम लोग इमली। ये इमली यहाँ पर मैंने ली है 250 ग्राम। पानी हम इसके अंदर इतना शामिल करेंगे कि ये अच्छी तरीके से उसके अंदर डूब जाए। तो अगर हम इसको मेजरमेंट में बात करें तो तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी होगा ये। तो दोस्तों अब हमने इसको अच्छी तरीके से मसल लेना है ताकि ये बिल्कुल हमारी इमली जो है खुल जाए। तो दोस्तों अब हम इसको उठाकर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैंने ले लिया एक अदद कढ़ाई, और उसको मैंने चूल्हे के ऊपर रख लिया। अब इसके नीचे मैंने आग रोशन नहीं किया। अब हमने जो इमली भिगोली थी अब हम इसको यहाँ पर छान लेंगे ताकि इसकी घुटलियां अलहदा हो जाए और पानी और पल्प अलहदा हो जाए। तो दोस्तों आप इसके नीचे मैंने आग रोशन कर लिया, और ये मीडियम लो फ्लेम पर इसको हम पकाएंगे। तो दोस्तों जो यहाँ हमने इसके नीचे आग रोशन की है, जब तक ये पक रहा है साथ ही साथ हमने इसके लिए कुछ स्टेप्स लेने हैं, और ये तमाम के तमाम स्टेप्स इंतहाई क्रूशियल हैं। इसको हमने बिल्कुल एक एक स्टेप बहुत ही एहतियात के साथ फॉलो करना है। सबसे पहले हम इसका खट्टापन चेक करेंगे और फिर इसके हिसाब से इसके खट्टेपन को इंक्रीज करेंगे। अब मैंने इसके यहाँ पर से कुछ थोड़ा सा मैं ले लेता हूँ, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। तो इसका ये खट्टापन जो है ये हमारे हिसाब से कम है, तो इसके खटास को बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर तकरीबन आधा एक गिलास सिरके का शामिल करूंगा, और इसको अच्छी तरीके से हिला लूंगा। और अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद, ये आप देख रहे होंगे इसके अंदर हल्का सा उबाल आया हुआ है। अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगा तकरीबन 400 ग्राम चीनी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम इसको पकाएंगे, और इसका फ्लेम हम तेज कर देंगे ताकि जरा चीनी जल्दी घुल जाए। तो दोस्तों जब हम देख लेंगे कि इसकी चीनी डिसॉल्व हो गई है, तो फिर हम इसका
टेस्ट करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे और चेक करेंगे क्या इसका खट्टापन और इसका मीठापन जो है वो अकॉर्डिंग टू द टेस्ट है कि नहीं है। तो ये हमने बैलेंस चेक करना है कि इसके साथ खटास भी होनी चाहिए और मिठास भी होनी चाहिए, काबू करना आसान नहीं रहेगा। तो दोस्तों मैंने इसको अभी टेस्ट किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि इसके अंदर मिठास ज्यादा है और खटास कम है। तो इसके अंदर तकरीबन एक चौथाई गिलास मैंने मजीद सिरके का शामिल किया है ताकि इसकी खटास बैलेंस हो जाए। तो अब हमारी जो है रिक्वायर्ड हमारा टेस्ट आ चुका है और अब जो अगला इंग्रेडिएंट इसके जाएगा वो है सॉल्ट यानी नमक। और ये नमक के साथ भी बिल्कुल हम यही प्रोसीजर दोहराएंगे। ये इसके अंदर हम लोग एक चाय का चम्मच नमक शामिल कर रहे हैं। आग हमने इसकी कम कर दी है और अब हम इसके साथ ही एक चम्मच काली मिर्च डाल देंगे। ये बिल्कुल फाइन पिसी भी नहीं है बल्कि एक दरदरी पिसी हुई है। और एक चम्मच इसके अंदर हम शामिल कर देंगे दड़ा मिर्च भी, ये चाय के चम्मच में बता रहा हूं आपको। और दो चाय के चम्मच इसके अंदर हम कुटा हुआ पिसा हुआ जीरा डाल देंगे, जो कुटे हुए अंदाज का है, हल्का हल्का पिसा हुआ भी मालूम होगा आपको, पाउडर भी फॉर्म में भी होगा और थोड़ा थोड़ा साबित साबित भी नजर आ रहा होगा। और अब हम सबको एक साथ पकाएंगे। तो दोस्तों इस स्टेज पर हम इसके अंदर फूड कलर रेड कलर का शामिल कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं, कमर्शियल रेसिपी बना रहे हैं हम इसके अंदर रंग दिखाना चाहते हैं तो हम इसके अंदर हल्का सा रेड कलर शामिल करके इसका रंग जो है ना वो अपने मुताबिक इसको एनहांस कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं इसको घर में बना रहा हूं तो मैं इसके अंदर फूड कलर नहीं शामिल करूंगा क्योंकि सिंथेटिक चीजों से बचने की जितनी मुमकिन हो कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों अब यहां पर मैंने कुछ हरी मिर्ची ले ली है, कुछ धनिया और कुछ पुदीना ले लिया है, इन सब का मैं बना लूंगा पेस्ट। अब ये पेस्ट मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बहुत सारे लोग बारबेक्यू सॉस में ये वाली चीजें नहीं डालते मगर इसके डालने से बहुत ज्यादा टेस्ट इन्हांस हो जाएगा। तो जब आप बनाएं तो लाजमी कोशिश करें कि ये चीजें इसमें शामिल करें, इससे आपको बहुत ही उम्दा टेस्ट हासिल होगा। तो दोस्तों जब तक ये यहाँ पर पक रहा है हम वहां पर एक कॉर्नफ्लोर जरा अपने लिए रेडी कर लेते हैं। ये देखिए मैंने एक बोल ले लिया है, 4 से 5 मैं इसके अंदर हीप्ड चाय के चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लोर शामिल कर लूंगा, जो कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं। ये देखिए अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगा ताकि इसके अंदर से फुटकियां खत्म हो जाए। तो दोस्तों आप जब हम इसके अंदर ये कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे तो इससे हम अपनी डिजायर्ड कंसिस्टेंसी हासिल करेंगे, यानी हमने इसको कितना थिक रखना है या कितना थिन रखना है इसको हम हिलाते जाएंगे। तो ये देखिए एक थिकनेस इसके अंदर आ रही है, जब हमारी डिजायर्ड थिकनेस हमें हासिल हो जाएगी तो बाकी का कॉर्नफ्लोर इसके अंदर शामिल करने की जरूरत नहीं है, आप इसको बचा लीजिए और अगर जरूरत हो तो मजीद इसके अंदर शामिल कीजिए। तो दोस्तों यहां देखिए ये हमारी डिजायर्ड कंसिस्टेंसी हमें हासिल हो चुकी है। जब ये हम इसकी डिजायर्ड कंसिस्टेंसी हासिल कर लेंगे तो उसके बाद हम इसके अंदर एक विस्कर लेकर तो उसके जरिए से इसको अच्छी तरीके से विस्क करेंगे ताकि इसके अंदर अगर कोई बाय चांस कोई अगर हमारे इसके अंदर कोई लंप वगैरह रह गया है तो वो लंप जो है वो खत्म हो जाए। वैसे इसके अंदर चांसेस नहीं है लेकिन फिर भी एक दफा आप इसको हिला लीजिए। तो दोस्तों ये देखिए हमारा जबरदस्त सा बारबेक्यू सॉस बनके तैयार है। अब मैं मजे की आपको एक बात बताऊं, ये जो हमने बारबेक्यू सॉस तैयार किया है इसकी शेल्फ लाइफ यानी अगर इसको आप फ्रिज के बाहर रखें तो ये 10 दिन तक बिल्कुल खराब होने वाला नहीं है और अगर आप इसको फ्रिज में रखें तो ये 1 महीना या उससे भी ज्यादा चल सकता है, यानी इसके टेस्ट में और इसके टेक्सचर में कोई फर्क नहीं आएगा। तो दोस्तों मैं बताते चलूं कि ये इसकी इतनी लंबी लाइफ क्यों है। इसके अंदर चूंकि हमने सिरके का इस्तेमाल किया है और साथ ही चीनी का इस्तेमाल किया है तो ये दोनों चीजें प्रिजर्वेटिव का काम करती हैं जिसकी वजह से इसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। अलबत्ता ये है कि महीने भर के बाद कहीं जाके इसके अंदर हो सकता है कि ये थोड़ा थिकनेस की हो जाए और इसका जायका थोड़ा खराब होने लग जाए, तो आप कोशिश कीजिए कि इसको 20 से 22 दिन के अंदर ही इस्तेमाल कर लीजिए। तो दोस्तों ये देखिए अब हमारा आधा घंटा पूरा हो चुका है, 30 मिनट पूरे हो चुके हैं, तो अब इसके लिए मैं चूल्हा बंद कर देता हूँ। अब इसके प्रेशर के रिलीज होने का इंतजार करेंगे, प्रेशर रिलीज हो जाए तो हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। दोस्तों अब ये देखिए हमने वेट इसके ऊपर से उठा लिया है और अब इसको खोल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख माशाल्लाह शानदार हमारा गोश्त, परफेक्ट पानी का रेशियो था, यानी 30 मिनट के बाद बिल्कुल जबरदस्त सा गल भी गया और बहुत ही हल्का सा मामूली सा इसमें पानी रह गया। तो दोस्तों अब यहाँ पर एक अदर मैंने कढ़ाई ले ली है और उसको मैंने चूल्हे के ऊपर प्लेस कर दिया है और दोस्तों इसके बाद के नीचे हम आग रोशन कर लेंगे। अब इसके अंदर जाएगा ऑयल, ये मैं वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप भी कोई भी वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने मेक श्योर करना है कि अच्छी तरीके से ऑयल गर्म हो जाए। तो दोस्तों अब ये तेल हमारा गर्म हो गया है तो हमने जो गोश्त पका लिया था अब इसके अंदर फ्राई करेंगे, तो इसको हम बैचेस में करेंगे। तो हमने पहला बैच इसके अंदर शामिल करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैंने इसको एक चमचे के अंदर करके डाला है ताकि इसको इसी तरह डालें और इसी तरह से निकाल सकें। और याद रखिए कि इसको हमने बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, बस हमने हल्का सा कलर देकर आना है और इसको हमने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं करना। और ये देखिए दैट्स इनफ, फैबुलस माशाल्लाह। और अब इसी तरह दूसरा बैच बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए
ऑयल चूंकि हमारा बिल्कुल गर्म है, बस इसके अंदर तकरीबन 10 से 15 सेकेंड और डेट से उसके बाद हमने इसको दोबारा से निकाल लेना। तो ये देखिए अब ये रेडी है माशाल्लाह। ये देखिए हमारा गोश्त बनके तैयार है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो आप इस प्लेटिंग के लिए पीछे देखिए, मैंने एक थोड़ा सा लच्छेदार कुछ प्याज काट लिए और एक टमाटर का जो है ना एक फूल सा बना लिया है और साथ में कुछ खीरे वगैरह रख दिए हैं और साथ में थोड़ा सा उसको एक डिफरेंट टच देने के लिए एक हरी मिर्च और एक धनिया के पत्ते का इस्तेमाल किया। और अब यहाँ पर हम इसके साथ यहाँ पर इस गोश्त को प्लेस कर देंगे ताकि हमारी थोड़ी प्रेजेंटेशन अच्छी सी बन जाए। और साथ में ये देखिए बारबेक्यू चटनी हमने साथ में शामिल कर दी है। तो ये देखिए फैबुलस सी हमारी जबरदस्त सी रेसिपी बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी तैयार हो चुकी है। आप इसको सर्व कीजिए, खुद भी खाइए और मेहमानों को भी खिलाइए, इंशाल्लाह सब बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ माजिद बिलाल को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलते रहेंगे मजीद बेहतरीन रेसिपीज के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।